नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो में लेकर आए हैं अनसपोर्टेड स्ट्रीम टाइप। देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे एरर है, तो इसी को रिजल्व आज हम लोग अपने वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि जैसे कि जूम करते हैं तो यहाँ पे कैमरे को शो तो करता है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे छोटा करते हैं इसमें डिस्प्ले पे तो कैमरा शो नहीं करता है, एरर जो है दोस्तों यहाँ पर आता है। तो इसका फॉल्ट ये है कि दोस्तों जो यहाँ पर कैमरे का रेजोल्यूशन है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, हाई है। तो इसी को यहाँ पर करेंगे तो फिर दोस्तों इसमें फिक्स करेंगे हम लोग। तो आइए हम आपको वीडियो में लेके चलते हैं। ये देखिए क्लिक कर दिया तो यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन ऐसे नहीं दिखा रहा छोटे में। तो इसी को रिजोल्व यहाँ पे करेंगे हम लोग। और देखिए यहाँ पे मेन्यू में चले जाएंगे और हम जो है दोस्तों यहाँ पे पैटर्न के लॉक को खोलेंगे। रिकॉर्ड में जाना है आपको, रिकॉर्ड में जाने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको जो हमें पैरामीटर्स में चले जाना है। और सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपने ठीक है जगह में कैमरे को चूज़ करना है। कैमरा देखिए ले रखा हमने इसमें कैमरा, कैमरे की लिस्ट आ गई हमारी। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे आईपी कैमरा है और इसी का जो है दोस्तों रेजोल्यूशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, देख पा रहे हैं दे रखा रेजोल्यूशन इसमें 1920x2। और यहाँ पर कर देंगे अप्लाई, ठीक है, जो कि यहाँ पर जगह हमें 4K है। लेकिन देखिए दोस्तों सेटिंग करी यहाँ पे अप्लाई करा लेकिन फिर भी ऐसे ही आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से जाएंगे, रिकॉर्ड में जाएंगे, यहाँ पे पैरामीटर्स में जाएंगे। अब क्या है दोस्तों हमें यहाँ पे जाना है, इसमें सब यहाँ पे सब स्ट्रीम में जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें अपने कैमरे को चूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये करना है चूज। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर नीचे दे रखा है वीडियो इनकोडिंग दे रखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अंदर में H265, तो यहाँ पर हमें जो कि हमें 64 करना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे LCD का जो है दोस्तों यहाँ पे साइज़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे छोटा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने रेजोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। तो देखिए चूज कर लेंगे यहाँ पे H264 और फिर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई के बाद जो है दोस्तों जाके देखेंगे बाहर, तो देखिए यहाँ पर कैमरा यहाँ पर अच्छे से शो कर रहा है। तो ये फॉल्ट था दोस्तों, ऐसे ही आप लोग अपने फॉल्ट को निकाल सकते हैं कैमरे को। वीडियो को देखने के लिए आपका यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद।